बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सैर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, चैप्टर इसका 2 है, रियल नंबर एक्सरसाइज 2.3 है और क्वेश्चन इसका, तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड पहले वाला जो हमने किया था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। अब हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कैसे होता है वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आपने बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखनी है ताकि आपको कोई भी पार्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मिस ना हो। सबसे पहले तो आपने करना कैसे है, आपने इसको ना स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट अब आपने बिल्कुल छोटा सा नहीं लगाना, आपने बिल्कुल लास्ट तक लेके जाना है इसको, स्क्वायर रूट को। अब हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करने हैं, यानी कि 2-2 की आपने फॉर्म बना ली और लास्ट पे जितना बचा आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है आपने, ठीक है। पेयर्स बना पे आपने पेयर्स बना लिए, पेयर्स बनाने के बाद आपने जो वेरी लास्ट डिजिट बचा है यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट जो है उसको आपने देखना है 1। अब आपने क्या करना है, 1 जो है वो आपने देखना है कौन से ऐसे टेबल में आता है। अगर यहाँ पे हम सेम वैल्यूज लिखें 1 1 1, तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। मीन्स कि आपने ये बात याद रखनी है कि आपका जो है जिससे जो वैल्यू हो, जो नंबर हो, और वो उसी से ही मल्टीप्लाई हो। फर्स्ट करें यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए और 2 2 ज़ा 4। वैसे यहाँ 4 नहीं आ रहा, 1 है, तो 1 1 ज़ा 1। यानी कि आपने ये याद रखना है कि ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका स्क्वायर रूट जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, इतना हमने काम कर लिया 1 1 ज़ा 1 और ये हमारे पास आ गया। अब आपने जब नीचे इसको लेके जाना है तो पेयर वाइज लेके जाना है इसको, आप एज इट इज नहीं ले सकते, मतलब एक एक करके जैसे आप डिवीजन में करते हो वैसे नहीं लाओगे इसको, आप पेयर्स में नीचे ले आओगे। अच्छा, इतना काम हमने कर लिया, अब क्या करना है, अब आपने 1 में क्या करना है, 1 ऐड। पहले आपने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना रफ वर्क कर देती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये दोनों फॉर्म, ये तीनों चीजें हमने लिखी 1 1 और 1, ठीक है। अब इसी 1 को 1 में ऐड भी करना है और ये आ गया 2, ठीक है। अब ये चीज जो हमारे पास आंसर आया, आपने लिखना है इसको यहाँ पे, और यहाँ एक आपने ब्लॉक बना लेना, यानी कि ब्लैंक बना लेनी है, यहाँ और यहाँ ऐसी वैल्यू लिखनी है जो बिल्कुल सेम हो, और उसी वैल्यू से इस सारे को मल्टीप्लाई करने से इसके रिलेटेड या इससे कम या ये या इससे कम जो है वो वैल्यू आए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कैलकुलेटर, अगर आप यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें। फर्स्ट डिजिट है हमारा 2, और अब हमने यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ सेम वैल्यू। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं 2 ही लगा के देखती हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 लगाया, 2 2 और 2, तो करके देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 44 44 जो है वो तो बड़ा है। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे लगाएंगे 1 1, ठीक है, 1 1 लगाया, और यहाँ पे जो मैंने लिखा वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है, 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2। अब 36 में से हम जो है वो 21 को माइनस करेंगे और आ गया 15। अब ये जो पेयर हमारे पास बचा है हम उसको भी नीचे ले आएंगे। इतना आपने समझ लेना है कि ये जो चीज़ें ना, ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने जब 2 पुट करके देखा तो वो 44 आ रहा था, जो कि 36 से भी बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 लगाया, और जिस जो मैंने ब्लैंक में लिखा वो मैंने ऊपर भी लिख दिया। जो आपने नई वैल्यू ली है, ये भी नई थी तो हमने इसको डबल करके 2 लिख दिया। अब ये नई वैल्यू है तो आपने क्या करना है, इसको भी डबल कर देना, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस, तो 22 आ गया, 22, और फिर से एक नई ब्लैंक बना देनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो बिल्कुल सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली ये आए। तो अगर हम देखते हैं तो 3 3 ज़ा से 9 आ जाता है, तो हम ना यहाँ पे 3 पुट करके देखते हैं, 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये छोटा आ रहा है। अब एक और वैल्यू है जिससे हमारे पास 9 आ जाता है, 3 3 ज़ा 9 नहीं आएगा, उससे एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा। 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 7 7 पुट करके देख लेते हैं हम, यहाँ 2 2 7 7 पुट करते हैं, 2 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली ये आ गया। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, और ये हमारे पास एग्जैक्टली 1 8 1 5 8 9 आ गया, ठीक है।
अब मैं आपको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने जो है वो लेफ्ट से पेयर, राइट से पेयर बनाना स्टार्ट करने हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। फिर आपने लास्ट वाले डिजिट को देखना है, मतलब फर्स्ट वाले लेफ्ट की साइड से, और यहाँ यहाँ हमने क्या करना है, दोनों साइड पे सेम से मैरिज होने चाहिए, वो मल्टीप्लाई होने से एग्जैक्टली ये आंसर है या इसे छोटा है। तो वन वन से हमने किया तो वन आ गया, फिर ये पेयर नीचे ले आना, ये हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद आपने फोर्थ स्टेप क्या करना है, जो न्यू वैल्यू आप लेके आए थे उसको उसी में ऐड करना है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू, और फिर से ब्लैंक छोड़ देनी है। अब क्या करना है, हमने इस ब्लैंक में ऐसा नंबर लिखना है जिससे इसको इसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से या तो ये आई या इसे छोटा आए। तो जब हमने टू टू पुट किया तो वो बढ़ा रहा था, इसलिए हमने वन पुट करके इसको सॉल्व आउट किया। फिर से नीचे इसको पेयर लेके आए, जो रिमाइंडर बचा वो भी लिखा, और जो पेयर था वो भी हम नीचे ले आए। फिर से इसको जो न्यू वैल्यू है इसको डबल किया, और यहाँ पे ये जो डबल वैल्यू थी यहाँ पे हमने लिखी, इसको डबल किया, और यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू पुट की जो बिल्कुल सेम थी और जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये यहीं से छोटा है। तो ये बिल्कुल एक्जैक्टली आ गया। आप इसको क्लियरली समझ लें, सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से होने।